हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई कानपुर की बिकॉज़ येस उनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं अपलिकेशन फॉर पीएचडी सो so, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी आई एनआईटी किसी भी जिस भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में आपको इंटरेस्ट हो आप चाहते हो नोटिफिकेशन के बारे में जानना प्लीज़ एक बार उनके वेबसाइट पर जा के ज़रूर से अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत वेबसाइट पर एक बार विजिट करके चेक कर लीजिएगा कि वो हम सए हैं या नहीं बिकॉज uh, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने लास्ट आई थिंक वन वीक और लास्ट कुछ दस बारह दिनों से ज़्यादा चीज़ें सर्च नहीं की हैं रिप्लाई भी इसी वजह से मैं नहीं कर पाई इवन आपने देखा होगा थम तक भी मैंने चेंज नहीं किए तो जितना पॉसिबल था मैंने वीडियो बनाया है बट स्टिल आपसे रिक्वेस्ट है एंड आई एम मच बेटर नाओ तो होप फुली मैं ख़ुद भी सर्च करूँगी बट स्टिल आई थाट एक बार बोलना ज़रूरी है तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको किसी और इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट हो चाहे वो आई टी हो एन आई टी हो या कोई भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी हो तो प्लीज़ एक बार उनके वेबसाइट पर विज़िट करके देख लीजिएगा ठीक है yeah. तो ये सब से पहले आई टी के डॉट ए सी डॉट इन ये है वेबसाइट एंड इसी पर आपको विजिट करना होगा विज़िट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में है एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी एच एम टेक एंड एम एस बाई रिसर्च तो इसी पे क्लिक कर लीजिएगा नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड आई विल ट्राई किसी पर्टिकुलर पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्टिव हुए हैं ओके ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर से ही फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं एंड लास्ट डेट है एलेवेंथ नवंबर और कब तक चार बजे तक तो ग्यारह नवंबर को आप शाम को चार बजे तक अप्लाई कर सकते हैं देन प्रोग्राम्स की बात करें तो देखिए एम टेक अवेलेबल है सिर्फ मैकेनिकल में जो कि मैनुफैक्चरिंग साइंस में अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन में एम एस बाई रिसर्च आप साइबर सिक्योरिटी दैन सी एस में कर सकते हैं पी एच डी किस में किस में अवेलेबल है सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग बी एस बी ई देन केमिकल इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें कि हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ओके तो ये दोनों जो आपके स्पेशलाइजेशन uh, है उनमें इस बार एडमिशन नहीं हो रहे हैं नॉट लिखा हुआ है ठीक है तो हाइड्रोलिक्स एंड वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन इनमें नहीं हो रहा है इस बार एडमिशन इसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दैन डिज़ाइन है इलेक्ट्रिकल है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है देन सब सस्टेनेबल इनर्जी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैथ्स एंड स्टैट्स एंड देन फिजिक्स ये आपके सब्जेक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं नाउ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं तो देखिए इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है और फॉरेन के लिए भी है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए तो ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात हम करेंगे वन मोर थिंक यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंसर्न आपका जो डिपार्टमेंट है कंसर्न डिपार्टमेंट उसके लिए सेपरेट लिंक्स है तो उस पर क्लिक करके आप डिटेल्ड इन्फॉमेशन देख सकते हैं नाउ अगर अभी आप अपियरिंग हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं ये सब एलिजिबल हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो भी नॉन स्पॉन्सर्ड पी में अप्लाई करें उन्हें साथ में एम टेक के लिए भी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड अवेलेबल है नेक्स्ट इज़ पार्ट टाइम एक्सटर्नल एंड स्पॉन्सर्ड भी अवेलेबल है पी तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप भी देख लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 15 दिसंबर आई मीन एडमिशन हो जाएगा उसके बाद 15 दिसंबर से पहले पहले चाहें तो विद्रॉ भी कर पाएंगे एडमिशन 1000 थाउजेंड डिडक्ट होगा बाकी सारी जो, जो सारा जो मनी है वो रिफ़ंड हो जाएगा देन यस हाउ टू अप्लाई येस ऑनलाइन अप्लाई करना है लास्ट डेट एलेवेंथ ऑफ नवंबर है इंपॉर्टेंट लिंक्स पर भी हम विजिट करेंगे एंड uh, बाकी येस yes, बस ऑनलाइन मोड से ही सारी चीज़ें आपको करनी है लेटर्स ऑफ रेफरेंस की बात करें तो आपको ई मेल और नेम दे देना है अप्लाई करते टाइम वहाँ पर मैंशन करना है फिर वो खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे उस ई मेल आई आपके रेफरी से एंड उन्हें डायरेक्टली भेजना होगा अभी आपको लेटर नहीं सबमिट करना है ठीक है एप्लीकेशन फी है 500 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 250 है एस सी एंड बाकी सभी डी कैंडिडेट्स के लिए इसके अलावा यस yes, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा राइट तो ये कुछ चीज़ें थी इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स का ये टैब है एक बार इसे देख लेते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो एक तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है इसके थ्रू तो अप्लाई करेंगे कॉन्टैक्ट द दे डिपार्टमेंट है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को देन कुछ एफ ए क्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एफ़ क्यूज़ प्लीज़ आप एक बार देख जरूर लिया करिए ये एफ ए क्यूज़ हो सकता है जो क्वेरी आपको उसका रिस्पॉन्स उसका सोल्यूशन आपको इससे मिल जाए इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंस एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक्सेट्रा तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं सो येस उसी क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा इसमें है रिक्वायरमेंट सबसे पहले आ, मेंशन किया गया है कि कई जगह पे आपको स्पेसिफाइड मिनिमम वर्ड मेंशन हुआ दिखेगा ठीक है कि वो लिखा हुआ है तो स्पेसिफाइड मिनिमम का मतलब होगा फिफ्टी फाइव परसेंट या फिर फाइव पॉइंट फाइव सी या सी ठीक है एंड अगर कहीं पे पास मार्क्स लिखा है कुछ और है तब ठीक है बट अगर कहीं पे लिखा है स्पेसिफाइड मिनिमम तो उसे आप फिफ्टी फाइव परसेंट समझेंगे एलिजिबिलिटी क्या है तो देखिए इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंड इसमें कौन कौन से हैं तो ये सेकेंड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स तो so, इंजीनियरिंग के अभी हमने डिस्कस किया ना सभी इंजीनियरिंग के लिए क्या है कंडीशन सो सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफाइड मिनिमम से कम मार्क्स ना हो दट इज़ फिफ्टी से कम ना हो ठीक है या फिर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में एंड सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ वैलिड गेट स्कोर भी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पी के लिए बट हाँ अगर आपने किसी सी से बैचलर्स डिग्री ली है तो वैलिड गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव कर दी गई है ओके अगर आपने एम वगैरह किया हुआ है ठीक है सो मास्टर्स डिग्री है साइंसेस में तो आपको उसके साथ इनमें से एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा तो आई मीन ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे सबसे पहला तो बैचलर्स में आपके फर्स्ट डिवीजन हो सेकेंड थिंग जो आपने मास्टर्स किया एम एस सी किया उसमें सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स हो एंड थर्ड या तो आप जे आर एफ हो या फिर गेट क्वालिफिकेशन अगर है आपकी गेट क्वालिफाइड है तो उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट आई लिया उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं ओके अगर आप बी एस बी के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए कि अगर मास्टर्स डिग्री है फार्मेसी मेडिसिन वेट वगैरह में अब फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स से कम नहीं है तो आप एलिजिबल होंगे या बैचलर्स डिग्री है इनमें से किसी में भी डेट इज़ फार्मेसी मेडिसिन वेट वेट साइंस में तो इसमें फिर सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं समझ गए आप एट वगैरह मैंडेटरी है तो बट अगर सबसे पहला वाला अगर आपने देखा हो कि एम टेक है तो नहीं है मैंडेटरी ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज तो जैसे आप सी एस सी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए, लिए लिखा हुआ है इसी तरह से सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है गेट की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ कैंडिडेट्स को गेट से भी एग्जामेशन मिला हुआ है तो वो कौन से हैं क्या हैं वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा एंड नाउ हो पी एच डी साइंसेज़ की बात करें तो इसमें भी वही है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में या बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग या साइंस में फिफ्टी फाइव परसेंट मिनिमम मार्क्स के साथ देन आपके पास ए एस एस में ये भी मैंडेटरी है तो या तो वैलिड गेट स्कोर हो या फिर जे आर एफ क्वालिफाई किया हो या एन फैलो हो आप जे आर एफ गेट के साथ वैलिड जे स्कोर भी है फिजिक्स के लिए तो आप भी एलिजिबल है एनबीएचएम होता है मैथ स्टैट्स के लिए तो वो है तो भी एलिजिबल है एंड बाकी अगर आपने मास्टर्स डिग्री साइंसेस में किसी आटी से आर टी से किया हुआ है कंप्लीट एट सीपीआई है तो उस केस में गेट की रिक्वायरमेंट में नीट हुई नहीं है नेक्स्ट इकोनॉमिक साइंसेस के लिए यहाँ पे सेपरेट क्राइटेरिया है तो हम आ, देख लेते हैं वैसे सिर्फ यही है कि मास्टर्स होना चाहिए बैचलर्स होना चाहिए एंड साथ में वैलिड गेट नेट भी रिक्वायर्ड है ओके okay? देन यहाँ पे है कॉग्निटिव साइंस तो उसके लिए भी एम ए एम एस सी एम फिल या एक डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी सब्जेक्ट में सिक्सटी परसेंट मार्क्स मिनिमम हो एंड साथ में आपके पास गेट वगैरह की रिक्वायरमेंट भी हो आई मीन गेट की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो गेट आपके पास हो तो प्लीज़ एक बार इसे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा वैसे यहाँ पे एच के लिए लिखा है बट आई डोंट थिंक इस बार एच अवेलेबल है बट तो एक बार हम ब्रोशर देखेंगे ना तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एच अवेलेबल है या नहीं अगर होता है तो मास्टर्स डिग्री सेम है मास्टर्स डिग्री हो फिफ़्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए ओके okay? एंड बाकी देन मैनेजमेंट है एंड यहाँ पर ओवरऑल है जितने भी पी अवेलेबल होते हैं उन सबके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा अच्छे से ये इंपॉर्टेंट है एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले पहले एम टेक वगैरह के लिए इसके बाद है इंजीनियरिंग पीएचडी तो पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए फेलोशिप चाहिए तो वैलिड गेट्स कोर रिक्वायर्ड है और साथ में बैचलर्स आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में हो गेट के रिक्वायरमेंट वेब डाउन के लिए जिन्होंने सी एफ टी आई से बैचलर्स डिग्री ली है एंड सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स आपके रहे हो ओके एंड बाकी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंसेस में है तो साथ में गेट स्कोर होना चाहिए या फिर जे आर एफ या नेट होना चाहिए साइंसेस के लिए भी भाई या तो नेट स्कोर तो या तो गेट स्कोर हो या जे आर एफ हो तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा बिकॉज यहाँ पर कंडीशन लिखा हो हुआ है कि बिना गेट्स कोर के आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी ओके सो so, उसके बाद यहाँ ब्रोशर एंड डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं तो वो देख लीजिएगा हम बात करते हैं अभी ब्रोशर की सो so, ब्रोशर में भी मेनली ना यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं देख सकते हैं आप लिंक्स हैं अलग अलग पीडीएफ की तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो लिंक है पीडीएफ का उससे पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एचएसएस लिखा हुआ है कि अवेलेबल है तो एक बार हम इसका पी ओपन कर लेते हैं सो so, यस yes, ये है पी डी के प्रोग्राम्स का तो इसमें पीएचडी की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो क्या क्या एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं वो लिखे हुए हैं जैसे इंग्लिश है फ़ाइन आर्ट्स के एरिया क्या क्या हैं फिलोसफी साइकोलॉजी इनमें क्या क्या एरियाज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन है तो एक बार इसे देख लीजिएगा फिर एक बार आप चाहें तो कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं या नहीं ओके बट आई थिंक अगर ब्रोशर भी अवेलेबल है तो हो रहे होंगे बट स्टार्टिंग में आपने देखा था नहीं मेंशन था बट एनी anyway, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा यहाँ पर ई मेल वगैरह मिल जाएगी आपको लिखी भी हुई है किन्टैक्ट करना है उनके लिए उनके लिए एंड यस yes, अब हम फिर से वेबसाइट पर विज़िट करते हैं सो so, अगर हम इसे एक बार डिस्कस कर लें तो देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग है बी एस बी है देन केमिकल इंजीनियरिंग है केमिस्ट्री है सिविल इंजीनियरिंग कॉग्नेटिव साइंस सी एस सी डिज़ाइन अर्थ साइंस इकोनॉमिक साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एच एस एस इंडस्ट्रील एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मटीरियल साइंस प्रोग्राम मैकेनिकल मैथ्स एंड स्टैट्स फोटोनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स सस्टेनेबल इनर्जी इंजीनियरिंग एंड स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी तो ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं एंड इससे रिलेटेड लिंक्स अवेलेबल हैं देख लीजिएगा क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं ओके okay. बाकी यहां पे सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए आपके पास अगर आप किसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं एंड लेटेस्ट होना चाहिए बाकी देख लीजिएगा और कोई इशू है तो आप बता सकते हैं कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो in है जैसे फोन नंबर ई मेल डिपार्टमेंट वाइज वो मिल जाएगी सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे थोड़ा स्लो बोल रही हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी But uh, I'm not, uh, you know, like I am fine, better than yesterday, but not like always, right? So, anyway, that is it for today. Thank you for watching this video.